back to my channel. How are you all? I am good. And जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ अपना ऑर्गेनाइज्ड किचन टूर करने वाली हूँ. मैं अपना किचन टूर ऑलरेडी आपके साथ कर चुकी हूँ 3 years ago. एंड मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे उस टाइम कि नीलम किचन बनाना इजी है बट किचन को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है. एंड आई एब्सोल्युटली अग्री टू इट. बट उस टाइम पर मेरा किचन उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था. एंड बिकॉज हम न्यूली शिफ्ट हुए थे आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या रखना चाहिए, कहाँ पर क्या फंक्शनल होगा. बट आफ्टर यूजिंग दिस किचन फॉर 3 years, एक्चुअली मोर देन 3 years, नाउ आई नो कहाँ पर क्या चीज होना चाहिए एंड हाउ इट इज वेरी फंक्शनल टू अस. So without any further ado, let's quickly get into the video. So as you can see, this is the entrance of our kitchen. Basically, एक open kitchen थी तो हमने यहाँ पर breakfast table बनवाई थी. कुछ लोग breakfast table high table बनवाते हैं but मैंने इसे flat बनवाया था. यानी ये काफी width में बहुत अच्छी है तो generally मैं chopping वगैरह के लिए इसको ज्यादा use करती हूँ. Also यहीं पर मैंने अपना coffee counter बनाया हुआ तो this is a great place to sit and have coffee peacefully. यहीं पर मैं अपनी एक fruit basket place करती हूँ जिसमें मैं fruit store करती हूँ. एंड एक हाई चेयर मैंने प्लेस की हुई है. ऑल्सो यहाँ पर मैंने ये 2 hanging lamps लगवाए थे which is in copper color because copper भी हमारी किचन में थीम रन हो रहा है एंड इट लुक्स अमेजिंग. ये काफी बड़ी पेंडेंट लाइट है which looks beautiful. So चलिए मैं आपको अपने किचन के अंदर लेकर चलती हूँ. So as I told you, ये मेरा एक कॉफी काउंटर है. यहीं पर भी ऊपर मैंने ये कुछ फ्रेम्स प्लेस किए हैं जो Amazon से परचेज किए थे. ये काफी क्यूट लगे मुझे. इट सेज रोल विद इट, कैच यू ऑन द फ्लिप साइड, बिगिन ईच डे विद ग्रेटफुल हार्ट, वॉक दिस वे. एंड ऊपर लिखा है मॉम्स किचन 24/7 ओपन. सो ये है छोटा सा वॉल आर्ट काइंड ऑफ यू कैन से जो मेरे किचन के एंट्रेंस पे आता है. नाउ इस ब्रेकफास्ट टेबल के अगर राइट साइड पे बात करें तो यहाँ मैंने एक मंदिर बनवाया था बिकॉज डायरेक्शन वाइज सिर्फ यही जगह थी हमारे पास जहाँ मंदिर बन सकता था. तो ये मैंने लॉन्ग मंदिर बनवाया है जिसमें मैंने नीचे एक बड़ी सारी ड्रॉअर दी हुई है. आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन मंदिर ऑर्गेनाइजिंग एंड डेकोरेशन आइडियाज. सो उसमें मैं आपके साथ मंदिर के बारे में और डिटेल शेयर करूंगी. एंड अगर आगे मूव करें तो आप देखोगे यहाँ पर है मेरा फ्रिज. ये बहुत ज्यादा बड़ा फ्रिज नहीं है, एक ऑर्डिनरी फ्रिज है. इसके ऊपर मैंने ऑर्गेनाइजिंग एंड वेजिटेबल स्टोरेज की वीडियो शेयर करी हुई है जो आप लोगों को बहुत पसंद आई. अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. इसके जस्ट नेक्स्ट से स्टार्ट होता है मेरा काउंटर टॉप. सो मैं काउंटर टॉप के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी काउंटर टॉप की ऑर्गेनाइजिंग शेयर करी हुई है. बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ काउंटर टॉप का विच आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लव. मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा किचन इस तरीके से क्लीन रहे बट ऑब्वियसली जब आप कुकिंग कर रहे हो तो इस तरीके से क्लीन नहीं रह सकता है किचन. इट बिकम्स मेसी. मतलब की इसकी हम हर थोड़े दिन में इसकी क्लीनिंग करते रहे. नाउ बात कर लेते हैं स्टोरेज की एंड हाउ आई स्टोर माई पैंट्री एंड एवरीथिंग जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी. यहाँ आप देख सकते हो ये मैंने स्टोर किए हुए अपनी सारी दाल्स वगैरह इन कंटेनर्स. ये स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स है विद ट्रांसपेरेंट इन द मिडल. यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर पैंट्री ऑर्गेनाइजिंग वीडियो बनाई हुई है जो जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. यहाँ इन 2 अलमीरा में पूरी दाल स्टोरेज है. एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे इस वाली कबर्ड में मैंने सारा ब्रेकफास्ट आइटम स्टोर किया हुआ है. इसके ऊपर मैंने एक पैंट्री ऑर्गेनाइजिंग वीडियो डिटेल में बनाई हुई है जिसमें ब्रेकफास्ट आइटम एंड पैंट्री की सारी डिटेल वीडियो है. एंड ये मैंने ग्लास जार्स लगाए हुए विद वुडन लिड. आई एब्सोल्युटली लव इट. थोड़ा सा केयरफुली आपको यूज करना होता है अदरवाइज दे लुक अमेजिंग. नाउ यहाँ इसके ऊपर वाली अलमारी की बात कर लेते हैं. इस अलमारी में मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस स्टोर किए हुए हैं जिससे मैं अपनी मसाला दानी में
मसाले भर लेती हूँ। इसके अलावा जितने भी स्पाइसेस चाहिए उसके लिए मैंने ये एक ड्रॉर ऑर्गेनाइज करी थी विद दीज स्मॉल ग्लास जार्स। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये स्टैंड हो जाते हैं इस पीवीसी कटलरी यूनिट पे, एंड इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है विच सेज स्पाइसेस ऑर्गेनाइजिंग वीडियो, यू कैन चेक इट आउट एंड आई एम श्योर यू विल एब्सोल्युटली लव इट। सो यहाँ पर है स्पाइसेस। मेजरली मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी सारी चीजें कंटेनर्स में रहे, कुछ भी प्लास्टिक पॉलीज वगैरह में ना रहे, सिर्फ एक्स्ट्रा आइटम जो इन कंटेनर्स में नहीं आ सकते सिर्फ वही प्लास्टिक में रहे, अदरवाइज कंटेनर्स में रहे। यहाँ मैंने एक छोटी सी टी यूनिट बनाई है, यहीं पर मैंने अपनी मसालादानी प्लेस करी हुई है सो दैट एवरी टाइम मुझे कबर्ड ओपन न करनी पड़े इन बार बार यूज होने वाली चीजों के लिए। ऑल्सो यहीं पर मैंने एक छोटी सी बास्केट प्लेस करी है टू प्लेस ऑल द ऑयल्स एंड घीज। ये बहुत ही प्यारा सा एस्थेटिक सा लुक ऐड कर देती है बिकॉज ये एक वुडन बास्केट है एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आलू प्याज स्टोर किया हुआ है बिकॉज मेनी पीपल आस्क मी कि मैं आलू प्याज कहाँ रखती हूँ। पहले मैं इसे कबर्ड में रखती थी बट नाउअडेज आई हैव स्टार्टेड कीपिंग इट हियर। अब बात करते हैं इस लॉन्ग कबर्ड की। ये लॉन्ग कबर्ड मैंने अपने ग्लास आइटम्स के लिए बनवाई थी सो दैट आई कैन स्टोर ऑल द ग्लास कंटेनर्स, लाइक ये जो एक्स्ट्रा ग्लास कंटेनर्स है, सम स्मूदी जार्स, सम ग्लास कंटेनर्स जो कभी कभी यूज होते हैं, ये जो माइक्रोवेव सेफ ग्लास कंटेनर्स है, फ्रिज कंटेनर्स है, ये वाले सब मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिए हैं। ये सारे ओनली ग्लास आइटम्स है एंड नथिंग एल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द किचन, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या प्लेस किया हुआ है उस कबर्ड में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर मैंने सिर्फ दाल कंटेनर स्टोर किए हुए। इस कबर्ड में मैं मेजरली अपने हेल्थ आइटम्स स्टोर करती हूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं खाता है इस घर में, लाइक नो एडेड शुगर म्यूजली, पीछे शुगर म्यूजली है, यहाँ पर चिया सीड है, सम फ्लैक्स सीड, एंड ये टीस्पून टेबलस्पून मेजर करके खाती हूँ इसलिए ये यहाँ पर रखा है। ऊपर कुछ रिपेयर वर्क कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं जो मैंने कवर में डाले हुए हैं, मुझे लेके जाने हैं, एंड दैट इज इट अबाउट दिस कबर्ड। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो ये तीन कबर्ड दी हुई है, ये दो कबर्ड एक साथ ओपन होती है, एंड यहाँ पर मैंने ये जो मेरी पुराना मिक्सर ग्राइंडर है ये रखा हुआ है, मुझे अभी किसी को गिव इट अवे करना है। यहाँ पर मैंने चॉपर रखा है, ये है जूसर, एंड पीछे कर्ड मेकर है, ऊपर टोस्टर है, यहाँ पर ग्रिलर है, एंड सम स्प्राउट करने वाले स्टीमर एंड ऑल। यहाँ पर मैं सारे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखती हूँ सो दैट मुझे पता होता है यहाँ पर मिल जाएगा, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज क्योंकि ये कबर्ड काफी स्पेशियस है तो सारी चीजें एक साथ आ जाती है। नाउ जो ये लास्ट कबर्ड है इसमें मैंने सर्फ एंड सम हैंड टॉवल्स प्लेस किए हुए हैं, ऊपर मीटर प्लेस है जो अलमारी से हिडन हो गया है। यहाँ पर मैंने सर्फ प्लेस किया है बिकॉज ये वॉशिंग मशीन के जस्ट ऊपर है ये कबर्ड, एंड बहुत कन्वीनियंट रहता है इसे यहाँ पर यूज करना। नाउ गाइस ये तो हो गई सारी ऊपर वाली कबर्ड्स की बात, नाउ मैं आपको नीचे वाली कबर्ड्स की स्टोरेज भी दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट कबर्ड, यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये व्हील वाले आटा एंड राइस कंटेनर्स रखे हुए हैं जो बहुत इजी टू यूज हो जाता है इस अलमीरा में। इसके बाद यहाँ पर मैंने हैंड टॉवल प्लेस किया हुआ है। ऑल्सो ये है मेरी डस्टबिन की कबर्ड, ये क्योंकि अंडर सिंक कबर्ड है यहाँ पर मैंने डस्टबिन प्लेस किया है विच इज वेट एंड ड्राई। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ट्रॉली प्लेस की हुई है जिसमें मैं सारे क्लीनिंग आइटम्स रखती हूँ लाइक गार्बेज कवर, सम क्लीनिंग ब्रशेस, सिफ एक्सेट्रा। सो ये कबर्ड बेसिकली क्लीनिंग कबर्ड है, इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। इसके बाद बारी आती है इन कबर्ड्स की, यहाँ इस कबर्ड में मैंने सारी एक्स्ट्रा ग्रोसरी आइटम्स रखे हुए हैं। लाइक आई टोल्ड यू जो चीजें डब्बे में नहीं आती हैं वो मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिप से प्लेस करके बास्केट में रख देती हूँ। नीचे कुछ स्नैक आइटम है, ये कुछ छोटे मोटे पाउचेस है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हैंड टॉवल्स है, एंड ये है एक्स्ट्रा ग्रोसरी आइटम। सो बास्केट्स में ये कबर्ड बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहती है। अब मैं आपको अपनी मेन ड्रॉअर दिखा देती हूँ जिसमें मेरे सारे कुकवेयर रखे हैं। यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक लिड ऑर्गेनाइजर यूज किया है टू ऑर्गेनाइज ऑल द लिड्स, तवा, चकला एंड सम हॉट प्लेट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने ये लिड स्टैंड में प्लेस कर दिया है। ऑल्सो मैंने इस तरीके से एक स्टैंड ऑर्डर किया था टू प्लेस ऑल माई कढ़ाईज, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है तीनों एंड अपे मेकर। ऑल्सो इस तरफ मैंने अपने दोनों कुकर प्लेस किए हैं, यहाँ सारी भगोनियाँ प्लेस्ड है, ऑल्सो एक और कुकर मैंने यहीं पर रखा है। ना आप देख सकते हो ये ड्रॉअर कितनी ऑर्गेनाइज रहती है इन दो ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से, एंड कोई भी चीज़
इधर उधर नहीं होती, इन केस हो भी जाती है तो इसे ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी हो जाता है। इसी तरीके से नीचे एक और ड्रॉअर दी हुई है टू पुट ऑल योर एसेंशियल्स। यहाँ पर मैंने सम स्ट्रेनर रखा है, सम ये ग्रेटर रखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉल्स रखे हैं, मिक्सी के सारे जार्स रखे हैं, एक अपना सैंडविच मेकर रखा है एंड ये कास्ट आयरन तवा रखा हुआ है। ऑल्सो यहीं पर मैंने एक बास्केट प्लेस करी है टू पुट ऑल द एक्स्ट्रा स्टफ जो मैं हैंग नहीं कर सकती हूँ स्पून रेल पे। सो इस तरीके से मैंने ये वाली ड्रॉर ऑर्गेनाइज करी है। ना यहाँ पर आती है ये तीन ड्रॉर्स जिसमें मैंने आपको दिखाया। फर्स्ट ड्रॉर में मैंने सारी पैंट्री एज इन स्पाइसेस रखे हैं ब्यूटिफुली डेकोरेट करके, एंड सेकेंड ड्रॉर में मैंने सारे ग्लासेस कटोरी बॉल्स वगैरह रखे हैं। थर्ड ड्रॉर बिल्कुल सिंपल है, प्लेट ड्रॉर है। यहाँ पर एक नॉर्मल इसके साथ रैक आई थी एंड यहाँ पर मैंने एक लिड ऑर्गेनाइजर का इन रख दिया है फॉर स्मॉल प्लेट्स। साइड में मैंने ट्रे प्लेस की हुई है। एंड अब बारी आती है इस लास्ट कबर्ड की, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने अपना इडली मेकर रखा हुआ है, यहाँ पर सम एक्स्ट्रा स्टील कंटेनर्स रखे हुए हैं, नीचे हॉट केस रखा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा बेकिंग आइटम रखा है। तो मैं बहुत रेयरली कुछ बेक करती हूँ इसलिए मैंने सारी चीजें एक साथ यहाँ पर रख दी है। व्हेनेवर आई बेक आई कैन टेक आउट एनी आइटम एंड यूज इट। सो गाइज ये थी किचन के नीचे वाली कबर्ड्स। अब मैं आपको इस तरफ के ब्रेकफास्ट टेबल वाली क्लोजेट भी दिखा देती हूँ। इन कबर्ड्स में मैं मेनली प्लास्टिक आइटम्स प्लेस करती हूँ बिकॉज बाकी सारा स्टील है मेरे पास, सिर्फ इतना प्लास्टिक है जो मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्टोरेज कंटेनर्स जो एक्स्ट्रा है जो यूज नहीं आ रहे हैं वो रखे हैं। नीचे मैंने कुछ फ्रिज की बास्केट्स रखी हुई हैं जो जब भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, एंड सम डिस्पोजेबल्स। यहाँ इस कबर्ड में मैं सारे आरएफ के टिफिन्स वगैरह रखती हूँ, या ये सारे आरएफ के टिफिन्स है, सम टपरवेयर कंटेनर्स, नीचे भी टिफिन्स के आउटर कवर है। ये जो लास्ट कबर्ड है ये मेरी स्नैक काउंटर है जो मैं बहुत रेयरली भर के रखती हूँ, सिर्फ हेल्दी आइटम्स दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा जंक है वो मैं थोड़ा सा छुपा के रखती हूँ सो दैट आरएफ निकाल के खाता ना रहे सारे दिन। सो गाइज यू कैन सी कुछ इस तरीके से मैंने अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करी हुई है। इस तरीके से मेरा किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है एंड मैं कोशिश करती हूँ इसे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखूँ। सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो गाइज, ये था मेरा ऑर्गेनाइज्ड किचन टूर। आई होप ये किचन टूर आपको पसंद आया हो एंड आप भी अपने किचन को इसी तरीके से साफ सुथरा एंड सुंदर रखेंगे। आई नो कभी कभी किचन को क्लीन करना या मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि ये एक वन डे प्रोसेस नहीं है, ये एक एवरी डे प्रोसेस है। बट ट्रस्ट मी किचन को इतना क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ये आप कभी कभी वंस इन ए मंथ, वंस इन 6 मंथ, वंस इन 3 मंथ आप अपने किचन को एक ऑर्गेनाइज एंड क्लीनिंग टूर दे सकते हो सो दैट आपकी किचन हमेशा ब्यूटीफुल एंड ऑर्गेनाइज लगे। मुझे किचन में क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे हमेशा क्लीन करते रहती हूँ। ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी बट स्टिल आई लव मेंटेनिंग माई किचन बिकॉज आई लव माई किचन अलॉट। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको भी मेरी किचन उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे पसंद आती है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।